अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैर वाफियत से हों। दोस्तों, आज आपके साथ मैं अपने यूनिवर्सिटी टूर की स्टोरी शेयर करूंगा। ये हमारा टूर मई 2016 में हुआ था और हमारे लिए ये बड़ा यादगार सफ़र था। इस चार दिन के टूर में हमने नारान कागान, छोगरा, सीरी पाए और मरी की सैर की। हमारे सफ़र का आगाज 16 मई रात 12 बजे पंजाब सोसाइटी शाहकाम चौक लाहौर से हुआ। और रात सफ़र में गुजारने के बाद हमने बालाकोट पहुंचकर नाश्ता किया। फिर कुछ पिक्चर्स बनाई और अपनी मंजिल नारान की जानब चल पड़े। मसलसल कई घंटे सफ़र करने के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए। और हमें सफ़ेद बर्फ़ पोश चोटियां नज़र आने लगीं। कुदरत के हसीन नज़ारे देखकर सब दोस्त बहुत एक्साइटेड भी हो रहे थे। क्या बात है भाई,
चॉकलेट मिले हुए क्रीमी 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 एट द एंड हम नरान पहुंच गए और असर का टाइम हो चुका था। अपना सामान होटल में शिफ्ट किया और फिर कुछ देर आराम करने के बाद शाम को बाहर खाना खाने के लिए निकल आए और बाजार की सैर भी की। रात को दोस्तों ने हो महफिल जमाई और फिर सो गए। सुबह उठकर दोस्तों के साथ नरान की खूबसूरत वादी में हसीन लम्हात को कैप्चर किया। और फिर नरान में खुले आसमान तले मैदान में बैठकर ब्रेकफास्ट किया, जो कि हम सब के लिए एक एंजॉयमेंट थी। अब हमें निकलना था झील सैफल मलूक के लिए। हमारे ग्रुप ने डिसाइड किया कि हम हाइकिंग करके झील तक जाएंगे ताकि इस एडवेंचर को खूब एंजॉय किया जाए, जबकि हमारे बाकी फेलोज ने जीप के ज़रिए वहां तक जाने का इरादा किया। फ्रेंड्स, नरान से जीप के ज़रिए झील सैफुल मलूक तक का सफ़र आधे घंटे का है, जबकि हमें हाइकिंग के ज़रिए तकरीबन 3 घंटे लगे। लेकिन हमने इस हाइकिंग को खूब इंजॉय किया और कुदरत के हसीन और दिलकश मनाज़र कैप्चर किए। गाइस, हाइकिंग के दौरान स्टिक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है और घुटनों पे प्रेशर भी नहीं पड़ता, जिससे जल्दी थकावट नहीं होती। जी तो ख़वातीन हज़रात, बिलाहर हम हाइकिंग करते करते झील सैफुल मलूक पर पहुँच आए हैं और यहाँ पर हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ नज़र आ रही है।
ठंड भी शदीद किस्म की है और ये रास्ता भी बड़ा डेंजरस है। तो अभी चलते हैं झील पे और देखते हैं वहाँ की क्या स्टोरी है। फ्रेंड्स, झील पे भी हर तरफ बर्फ ही जमी हुई है। अच्छा गाइस, झील सैफ़ुल मुल्क की स्टोरी तो देख ली है आपने। अब चलते हैं वापस, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो जानी है और सुबह हम रवाना होंगे शोगरा के लिए। जी तो गाइस, इस वक्त हम शोगरा पहुंच चुके हैं और हमारा आज का पड़ाव शोगरा में ही होगा। एंड अभी हम यहां से जाएंगे सिरीपाए, जहां पे फेरी मेडोज़ हैं। लेकिन ये सफ़र अब होगा जीप्स में, क्योंकि इस ट्रैक पर सिर्फ 4x4 जीप्स ही जा सकती हैं। तो आइए चलते हैं फेरी मेडोज़ और देखते हैं वहाँ की क्या स्टोरी है। दोस्तों, हम जा तो सिरी पा रहे हैं, लेकिन इन जीप्स में बैठकर हमारे अपने जिगर गुर्दे एक हो गए हैं। ये ट्रैक बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इन जीप्स के साथ साथ इन ड्राइवर्स की हिम्मत को भी सलाम है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइव करना आम आदमी के बस की बात नहीं। और एक मज़े की बात भी आपको बताऊँ, इन जीप्स में लगे ये पुराने सॉन्ग्स
सफ़र का मज़ा दुबाला कर देते हैं। नाज़रीन, ये सिरी पाए फेरी मेडोज़ पाकिस्तान के सूबा हैबर पख्तूनख्वा में वाक़िया हैं और इसकी सतह समुंदर से बुलंदी 10,032 फुट है। फेरी मेडोज़ के सरसब्ज़ कुदरती हसीन और दिलकश नज़ारे इंसानी रूह को तकवीत बख्शते हैं। गाइस, फ़ोटो सेशन भी हो गया तो अभी टाइम भी काफ़ी हो रहा है, तो अब हम निकलेंगे वापस छोगरा की जानब और सुबह हमें रवाना होना है मरी के लिए, तो चलते हैं जी।
Your voice echoes in my mind. इस वक्त हम पहुंचे हैं अबशार कैफे केवाई पर और यहां पे हम खाएंगे स्पेशल ट्राउट फिश और उसके बाद फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। फैजान को पास ले जाना। खीरे डरना क्यों है नेड़ा होने मरी में रात स्टे करने के बाद सुबह हम इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए और फिर सेवर फूड पहुंचकर दिन की भूख को निमटाया। यूं ये हमारा 5 दिन का ट्रिप इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस ट्रिप की यादें आज भी ताज़ा हैं और इस सारे ट्रिप का क्रेडिट आतिफ भाई को जाता है। अल्लाह ताला मेरे सब दोस्तों को ज़िंदगी में कामयाबियाँ और आसानियाँ नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।